बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए मेष राशि वालों के लिए जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें थोड़ा सा तनाव दिख रहा है पहले दिन। हो सकता है छोटी सी बात पर बिना किसी वजह के आपको सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव हो जाए। हालांकि देखिए ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये चीज़ें बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी और बाकी स्थितियां आपकी ठीक बनी रहेंगी। चीज़ों को बहुत जल्दी आप बेहतर बना लेंगे, ये तनाव लंबा नहीं चलेगा। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है इस सप्ताह में, पैसे को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है और रुका हुआ जो धन है इस समय कोशिश करने पर इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। करियर में दोबारा ऊंचाइयों पर पहुंचने के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में करियर में आपको दिक्कतें हो रही थी लेकिन इस सप्ताह में करियर में आप दोबारा ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। इस सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, किसी इंटरटेनमेंट में, शादी में, पार्टी में, फंक्शन में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बन रही है। देखिए सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, केवल सप्ताह के पहले दिन आपको तनाव से बचना होगा। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह शुरू होगा कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। दौड़ भाग और व्यस्तता तो इस सप्ताह में रहेगी लेकिन इस दौड़ भाग से, इस व्यस्तता से आपको पैसे का फायदा भी जरूर होगा। धन का आगमन आपका बिल्कुल ठीक बना रहेगा, पैसे आपके पास पर्याप्त मात्रा में आते रहेंगे और इस समय आपको संपत्ति का लाभ, संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। अभी भी आपको अपने स्वास्थ्य पर और अपनी वाणी पर ध्यान बनाए रखना है। बाकी चीज़ें ठीक हैं लेकिन ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे परिवार में माहौल खराब हो या आपके खराब वाणी की वजह से परिवार में बेवजह के विवाद हों। इस सप्ताह महत्वपूर्ण काम आपको निपटाने चाहिए क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आप निपटा सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो इस सप्ताह में जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा दिख रही है, काफी ज्यादा इस सप्ताह में आप व्यस्त रहने वाले हैं। धन की स्थिति आपकी बेहतरीन दिखाई दे रही है, धन की स्थिति में लाभ होता हुआ इस सप्ताह में दिख रहा है और रुका हुआ धन भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप किसी नए काम की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप नए काम की शुरुआत की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन नए काम की शुरुआत जरा जल्दी करिएगा, टालिएगा नहीं। जीवन साथी के साथ बेवजह के तनाव हो सकते हैं या जीवन साथी की सेहत इस सप्ताह में बिगड़ सकती है, थोड़ा सा उसका ध्यान आप बनाए रखिएगा। पैसे आपके पास पर्याप्त आ रहे हैं लेकिन पैसे का मैनेजमेंट, धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे पैसे तो आए लेकिन अनाप शनाप खर्चों की वजह से आपके पैसे नष्ट हो जाएं। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए शुभ रहेंगे। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और धन के मामले में आपको बेहतरीन सफलता मिलती दिख रही है, यानी करियर में जो रुकावटें थी, जो दिक्कतें थी, वो निश्चित रूप से दूर होंगी। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के बेहतर होने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस सप्ताह ऐसा लग रहा है
कि आप किसी धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ में या किसी पूजा उपासना में व्यस्त रहेंगे। हो सकता है कि इस सप्ताह में आप कोई अनुष्ठान करें या घर पर कोई शुभ और धार्मिक कार्य हो, इस तरह की संभावना बन सकती है। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है और सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ बेवजह के तनाव हो सकते हैं, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम सप्ताह की शुरुआत में सोमवार के दिन ही अगर आप निपटा लें तो आपको लाभ जरूर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के परिवार में विवाद हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में परिवार में झगड़े हो सकते हैं, शांति आपको बनाए रखनी है। हालांकि देखिए, जो बेवजह के विवाद होंगे उनको आप बहुत जल्दी बुद्धिमानी से सुलझा लेंगे, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है और आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। और इस सप्ताह की एक बहुत अच्छी बात यह है कि धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए कुल मिलाकर ठीक यानी अच्छी बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में करियर में कोई विशेष सफलता मिल सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, करियर में बदलाव के बेहतरीन रिजल्ट आपको सप्ताह के अंत में मिल सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है, लेकिन बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम मंगलवार के दिन करें तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे आते जाएंगे। हालांकि देखिए, आराम से पैसे नहीं आएंगे, आराम से काम नहीं होगा, इसके लिए बहुत दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी और बहुत व्यस्तता भी रहेगी। करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। अगर आप करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, करियर में कोई इंक्रीमेंट होने वाला है, अप्रेजल होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, तो उस दिशा में आपको शुभ सूचना मिलने की संभावना दिख रही है। धन की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर इस सप्ताह में बेहतर बनी रहेगी। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है। एक तो सप्ताह के बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, चोट चपेट पर ध्यान बनाए रखिएगा, व्यर्थ के चोट चपेट के शिकार आप हो सकते हैं। यानी अगर इस सप्ताह में आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो बाकी मामले इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई मूवमेंट हो सकता है, किसी छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय आप छोटे छोटे बहुत सारे काम करेंगे, इस समय आपको छोटे छोटे बहुत सारे अवसर मिलेंगे और इन छोटे छोटे कार्यों से इस समय आपको बड़े लाभ हो सकते हैं। संपत्ति और मुकदमे से संबंधित काम इस समय आपको निपटा लेना चाहिए। संपत्ति संबंधी कोई काम है या कोई मुकदमा है या कोई विवाद है तो उसको इस समय निपटा लेना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य पहले की तुलना में ठीक जरूर है, लेकिन अचानक से आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए अभी भी सेहत का ध्यान रखना होगा। सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम इस समय बन सकता है, इसलिए सप्ताह के अंत में महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश करिए ताकि वो काम आसानी से बढ़िया तरीके से बन जाए। बुधवार का दिन आपके लिए सप्ताह में बहुत अच्छा है और ये सप्ताह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे मामलों में बहुत सारी सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा और कोई बड़ा काम भी इस सप्ताह में कर पाएंगे। वृश्चिक राशि,
सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। पिछले सप्ताह में आपके काम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस सप्ताह में आपके काम आगे बढ़ेंगे और रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपका मानसिक तनाव भी इस सप्ताह में कम होता दिख रहा है, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है। यानी ये सप्ताह शुरू होगा, आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। धन की स्थिति इस सप्ताह में कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी, पैसा पर्याप्त मात्रा में आपके पास आता रहेगा। हो सकता है कि वृश्चिक राशि वाले इस समय में किसी नए काम की शुरुआत करें, तो वृश्चिक वाले इस समय नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और वो नए काम आपको फायदा भी दे सकते हैं। तो सप्ताह बहुत अच्छा है, आपके काम बनेंगे, आपको धन का लाभ होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको वाहन चलाने में बहुत सावधानी बनाए रखनी है। सप्ताह के अंत में गाड़ी चलाने में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि इस समय बेवजह की वाहन दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन निपटाएं तो वो काम आपके निपट जाएंगे। धनुराशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सप्ताह शुरू होगा, पहले दिन ही आपकी सेहत में, आपकी मानसिक स्थिति में दिक्कतें आ सकती हैं। करियर को लेकर के और संतान के जीवन को लेकर के बेवजह का तनाव इस सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है। हालांकि ये बात केवल सप्ताह के पहले दिन की है, चीजों को आप बुद्धिमानी से हल कर लेंगे और समस्याओं को सुलझा लेंगे, ये संभावना बन रही है। करियर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस समय हो सकता है, और ये परिवर्तन जो होता है इस समय, ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी और रुका हुआ धन भी इस समय आपको मिलेगा, ये संभावना दिख रही है। तो देखिए, धनु वालों को सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी शांति रखनी है, थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये सप्ताह बहुत अच्छा है, और करियर में अगर कोई परिवर्तन होता है, अगर कोई बदलाव होता है, तो ये बदलाव आपके लिए बहुत बेहतर बना रहेगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के लिए भैया तैयार हो जाइए, आपके मूवमेंट के संकेत हैं, आप यात्रा पर निश्चित रूप से जा सकते हैं। इस समय ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं इस सप्ताह में, और ऑफिस में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। हालांकि इतना जरूर दिख रहा है कि किसी महिला के सहयोग से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, चाहे वो महिला बॉस हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, उसका सपोर्ट आपको मिलेगा और चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। धन और संपत्ति की जो स्थिति है, ये कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेगी। इस सप्ताह में पैसा आता रहेगा, संपत्ति खरीदने के बारे में आप इस समय सोच सकते हैं। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है, तो सप्ताह के अंत में अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिएगा। मकर वालों को सिर्फ इस सप्ताह अपने ऑफिस में शांति बनाए रखनी है, ऑफिस के वाद विवादों से बचना है, जो इनके लिए बहुत जरूरी होगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में विशेष लाभकारी रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में शनिवार के दिन करते हैं, तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। केवल ऑफिस में इस सप्ताह में शांति बनाए रखिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ आपका करियर, एक तरफ आपकी शिक्षा और एक तरफ आपका परिवार, हर जिम्मेदारी इस सप्ताह में ज्यादा निभानी पड़ेगी, ज्यादा उठानी पड़ेगी। हालांकि देखिए, धन का लाभ भी होगा
और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में विवाह तय होने जैसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। अगर विवाह की बात आगे बढ़ रही है तो आप निश्चित रूप से कोशिश कर सकते हैं। इस समय स्वास्थ्य की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। सेहत में छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं तो भी आप डॉक्टर से संपर्क करें, अपने उपाय करें, चीजों में लापरवाही ना करें। सप्ताह के अंत में किसी धर्म और किसी अध्यात्म के कार्य की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। पूजा में, उपासना में, ध्यान में, दान में आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ वालों को यह ध्यान रखना है इस सप्ताह में कि देखिए, व्यस्तता का होना अच्छी बात है और व्यस्तता रहेगी भी, लेकिन आप अपने आराम का ध्यान रखिएगा और काम को अगर प्लान करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह शुरू होगा और आपके रुके हुए काम फटाफट बन जाएंगे। जो पिछले सप्ताह के अंत में रुक गए थे, इस सप्ताह की शुरुआत में आपका काम निश्चित रूप से बन जाएगा। करियर और शिक्षा के मामले में आपको इस सप्ताह में सफलता मिलेगी। रिश्तों और भावनाओं की जो समस्या है, आपके इमोशन की, आपके प्रेम की, आपके लव अफेयर्स की, इन समस्याओं से भी आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। इस समय आपको ध्यान रखना है कि देखिए, परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, तो परिवार में अशांति मत फैलाइए और परिवार के लोगों के साथ अगर अच्छा और मधुर व्यवहार रखेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। सप्ताह के अंत में सर्दी जुकाम बुखार का ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में आपको सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। और मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे।